तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी दुख की बात मेरे को ये लगी कि मेरा जो चूल्हा है ना वो ख़राब हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धोली हूँ बट कपड़ा नहीं धोई हूँ, सो बाद में धोऊंगी। तो घर में क्या होता है ना, नल पानी तो साथ में धो लेती थी बट यहाँ पे नल में मतलब जो बोरिंग होता है ना उसमें टेन टेन के कपड़ा धोना पड़ता है, तो बहुत सारा कपड़ा है। तो मैं बाद में धोऊंगी जब खाना वगैरह बनाऊँगी उसके बाद। सो जो कल भाजी लाई थी ना, सो उसी भाजी को बनाने वाली हूँ मैं अभी। और मैं ना चना वगैरह भिगो के रखी हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं नाप रही हूँ चावल। तो मैं सोली में नाप के डालती हूँ जितना डालना रहता है उतना। सो मैं चावल डाल ली हूँ और मैं अभी इसमें डाल देती हूँ पानी। और चावल को ना अच्छे से धोऊंगी मैं, क्योंकि फिर वो रहता है ना तो वाइट वाइट पानी निकलता है। सो इसलिए मैं, और ना मैं बाल्टी को पास में ही रखती हूँ मेरे को, ताकि बाहर बार बार नहीं निकलना पड़े। इसलिए मैं बाल्टी में ही जो भी धोना रहता है ना, तो मैं बाल्टी में धो के पानी को डाल देती हूँ, फिर बाद में फेंकने ले जाती हूँ। सो मैं अच्छे से चावल को धो लेती हूँ। तो चावल को मैं ना अच्छे से धो ली हूँ दो बार, और इसमें अब मैं पानी डाल देती हूँ। मेरे को जितना रखना है ना उतना मैं डाल दी हूँ। और अभी मैं टंकी में ना गैस चालू कर ली हूँ और एक कूलर को निकाल ली हूँ। और गैस अभी इधर चालू करके मैं ना चावल को चढ़ा दी हूँ। और अभी काट रही हूँ भाजी को, इस तरीके के से ना काटते हैं हमारे गांव साइड, तो मैं भी ऐसे ही काटती हूँ। तो आप लोग कैसे काटते हो तो, बट हम लोग के गांव में ना ऐसे ही काटते हैं। और अभी मैं ना कढ़ाई में डाल देती हूँ ताकि चढ़ाने के लिए। सो मैं पहले उबाल लूँगी चना और भाजी को, और फिर बाद में बनाऊँगी। सो ये देखिए, मैं ना कढ़ाई में पानी डाल के अच्छे से वो कर धो रही हूँ। तो एक बार अच्छे से धो देती हूँ, फिर अब पानी डालूँगी। और ये देखिए, मैं ना चना भिगो के रखी थी ना, सो उसको चना को भी मैं डाल देती हूँ साथ में ही। और इसी में मैं ना पानी डाल देती हूँ, और इसी को हम ना पानी जितना डालना रहता है ना उतना डाल के फिर ना अभी चढ़ा दी हूँ। और ये वाला सब्ज़ी ना मैं कल मतलब बाज़ार से लेके आई थी ना, तो वही वाला सब्ज़ी है, तो उसको नहीं निकाली थी। तो सर्फ, चाय पत्ती, मसाला वगैरह जो जो भी है ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साबुन वगैरह, और सब्ज़ी में से कुछ नहीं लाई थी, बस भिंडी और आलू लाई थी और टमाटर। और ना प्याज तो था ही, मैं तो अपने मायके से लेके आई थी ना। तो इधर एक हम देख देख के ना उधर मैं चावल को भी देखती जा रही हूँ। सो साथ में ऐसे ही होता है मेरा काम। सो इस तरीके से करती हूँ। और हल्दी ना ख़त्म हो गया था, सो चूहा हम सबको फेंक दिए थे ना, सो इसलिए मैं ना अभी हल्दी को ढाल रही हूँ। और उधर काना ना मेरा हो गया था, तो मैं काना को फंसा ली हूँ। और फिर अभी मैं ना टमाटर को काट रही हूँ, और प्याज मैं ना भूंज ली हूँ। सो इस तरीके से देखिए, तो पास कचरा हो गया था तो उसको मैं बाल्टी में ढाल दी हूँ, और बाल्टी को साइड में रख देती हूँ। और अच्छे से मैं ना सब्ज़ी को भूंज के ना अब मैं ना भाजी को डाल ली हूँ, भाजी और चना को, और उसको भी अच्छे से भूंज लेती हूँ। और फिर ना अभी मैं भूंज ली हूँ, और अभी मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। सो स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ, और अभी मैं डाल रही हूँ मिर्च पाउडर, और फिर थोड़ा सा मैं ना हल्दी पाउडर भी डाल देती हूँ। और मैं ना कुछ भी नहीं डाली हूँ, बस सिंपल सा बनाई हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ना खाना बनाने के बाद ले गई थी कपड़ा धोने। सो कपड़ा धो के लेके मैं आ गई हूँ, और अभी मैं सुखा रही हूँ कपड़ा। और बाबू ने आ गया था, और वो बोला कि मैं पकड़ूँगा मोबाइल, मैं पकड़ूँगा, बोल के बहुत ज़्यादा ज़िद किया। सो इसलिए मैं उसको मोबाइल पकड़ा दी थी, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा हिला रहा था मोबाइल को। सो बहुत ही ज़्यादा हिला रहा था, तो उसको मना करी, फिर भी बहुत ज़्यादा ज़िद किया। सो इसलिए मैं दे दी। और उधर का जो थार है ना वो उबर चुका था, सो इधर मैं अभी सुखा रही हूँ ये वाले थार में। तो कपड़ा ना बहुत ज़्यादा हो गए थे ना, सो इसलिए वो वाला थार नहीं पकड़ा, तो इधर भी अच्छे से मैं सुखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ना सब्जी बना के ना कपड़ा धोने ले गई थी। सो कपड़ा वगैरह धो के लेके आ गई हूँ, सुखा दी हूँ कपड़ा को भी, और अभी हम लोग खाएंगे खाना। सो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग निकाल लेते हैं खाना। तो फ्रेंड्स, खाना मैं निकाल ली हूँ। ये देखिए, भाजी और चना की सब्ज़ी और चावल। सो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ना वीडियो एडिटिंग कर रही थी, और वीडियो एडिटिंग हो गया है, अपलोड में डाल दी हूँ। और अभी हम लोग करेंगे किचन रूम की सफाई। पता नहीं किचन रूम कैसे हो गया होगा, तो हमारा रूम इतना गंदा हो गया था, तो पता नहीं किचन रूम तो कैसे हो गया होगा, उसका हालत क्या हो गया होगा। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी ना किचन रूम को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरा किचन रूम का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। सो आप लोग देख सकते हो,
ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बेक के मेरे से दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा कचरा भर गया है मेरा किचन रूम में, और जो पोताई भी करी थी ना तो वो भी एकदम हो गया है, पूरा पानी गिरा ना तो उसका पूरा उकड़ सा गया है। सो ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ऊपर ऊपर में भी पूरा उकड़ गया है, एकदम सा हो गया है मेरा किचन रूम। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मेरा चूल्हा जो है टूट चुका है। सो ये देखिए नया बनवाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आज गैस में ना खाना बनाई। सो आप लोग देख सकते हो, ये देखिए पूरा खराब हो गया मेरा चूल्हा। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी दुख की बात ये लगी मेरे को कि मेरा चूल्हा जो है ख़राब हो गया, और इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, तो चूल्हा में मैं कुछ दिन खाना नहीं बना पाऊँगी और बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पास झाड़ू लगा लेती हैं। फ्रांस, झाड़ू तो मैं लगा ली हूँ, ये देखिए। तो पूरा इसको ना पोथाई करना पड़ेगा। सो फ्रांस, फाइनली मैं झाड़ू तो लगा ली हूँ, बट पोथाई अभी नहीं कर पाऊँगी, तो कल या फिर परसों करूँगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है। सो गोबर वगैरह कुछ नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। सो इसलिए कल या फिर परसों पोथाई करूँगी। और चूल्हा तो मेरा पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, तो इसको टाइम लगेगा मेरे को यहाँ पे खाना बनाने के लिए। सो जब चूल्हा बनेगा तो ही खाना बना पाऊँगी। मेरा ना कपड़ा सूख गया था, सो इसलिए मैं उस रूम में लेके आ गई हूँ, और अभी हम लोग कपड़ा को मोड़ रहे हैं। सो जो मैं इधर उधर पहन के जाती हूँ ना, सो वो वाला मन को मैं अच्छे से मोड़ के ना अलमीरा में रख दूँगी, और जो डेली पहनने वाला है ना, सो उसको ना ऊपर में ठांग दूँगी। और वो बाबू भी ना, उसको भी करना है, उसको भी मोड़ना था, तो वो भी मेरा कपड़ा को लेके वो भी कर रहा है काम, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। सो आप लोग देख सकते हो, बाबू भी बहुत मेहनत करता है। और इधर अभी हम लोग बना रहे हैं भजिया, प्याज वाला भजिया। बाबू का ना बहुत ज़्यादा मन था, बहुत ज़्यादा जीत कर रहा था, तो इसलिए मैं उसके लिए बना दे रही हूँ। थोड़ा सा आटा रखा हुआ था तो उसी को, तो कढ़ाई को ना मैं गर्म होने के लिए रख दी थी, तो तेल मेरा गर्म हो गया था तो मैं डाल दी। और अभी एक सही ना मस्त कलर आ गया है, तो उसको मैं अच्छे से पलट देती हूँ। सो फाइनली हमारा जो भजिया है ना वो बन हो चुका है, मस्त कलर आया है उसका। सो उसको अभी ना निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बाबू ना बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था ब्रेड सैंडविच या फिर पराठा बना दो बोल के। सो अभी इतना टाइम ही नहीं था कि बना दूँ, तो मैंने थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, इसलिए मैंने प्याज वाला पकौड़ा बना दी और मस्त बैठ के खा रहा है। सो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मस्त छाव से खा रहा है, इसका बहुत ज़्यादा मन था इसलिए मैं बना दी हूँ। सो ये देखिए पकौड़ा, चाय और बिस्किट भी खरीद के लाया है। सो ये देखिए तो मस्त खा रहा है बाबू। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग भी खाइए पकौड़ा, प्याज वाला पकौड़ा बहुत ही अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग चाय और भजिया खा लिए हैं, और हमको ना रूम में थोड़ा सा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए हम लोग इधर आ गए हैं बाड़ी साइड। और अभी हो रहा है शाम। सो ये देखिए, सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक था। सो आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मस्त छाव से खा रहा है, इसका बहुत ज़्यादा मन था इसलिए मैं